वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा उस वीडियो पे जो मैंने थोड़ी ही देर पहले डाली थी, अपनी लाइफ के एक डे पे बेस्ड थी, अ डे इन द लाइफ ऑफ मैकेनिकल डिजाइनर। उस पे मुझे काफी मैसेजेस आए थे, काफी कमेंट्स आए थे। इन सभी सवालों के आज मैं जवाब दूंगा और आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काफी काम आएगा। दोस्तों, मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोस में बताया है और अब मैं फिर से बताऊंगा, आप कौन सा भी कॉलेज लेकर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस प्रोग्राम में आप कोऑप का ऑप्शन जरूर लीजिए। मुझे ये जॉब कोऑप के थ्रू मिली थी। मेरा प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम था, एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं शेरिडन कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो उस 3 साल के प्रोग्राम में 3 कोऑप्स थी मेरी। सो उन तीनों कोऑप्स में से मैंने 2 कोऑप्स हैश की कंपनी में लगाई थी। एक कंपनी के लिए एक ऐसा एम्प्लॉई हायर करना आसान हो जाता है जिन्हें वो पहले से ही जानते हों, पहले से ही वो मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते थे। वो जानते थे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं एक टीम्स पर्सन हूँ या फिर मैं एक इंडिविजुअल टाइप पर्सन हूँ, कि मेरी स्किल्स क्या है, मैं कौन से सॉफ्टवेयर्स अच्छे चला सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं सभी को हाईली रेकमेंड करूंगा, जौन सा भी प्रोग्राम चुने, जौन सा भी आप कॉलेज चुने, कोशिश कीजिए कि आप उसमें कोऑप का ऑप्शन जरूर चुने, क्योंकि अगर आप कोऑप का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको जो कैनेडियन कंपनीज हैं उन तक आउट रीच मिल जाती है, उन तक एक्सपोजर मिल जाता है थ्रू योर कॉलेज। सो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि एज अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट एक नई कंट्री में आपको काफी कुछ नहीं पता होता है कंपनीज के बारे में, कंपनीज के नाम के बारे में। तो वो फैसिलिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है, वो जो गैप होता है एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉयर के बीच का, वो एक कॉलेज कवर कर देता है कोऑप के थ्रू। तो सो हाईली रिकमेंडेड है, आप कोऑप जरूर ऑप्ट कीजिए जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, मेरा जो स्टैंड है इस क्वेश्चन पे बहुत ही फर्म स्टैंड है। अगर पढ़ाई आपका वन ऑफ द टॉप 5 मोटिव्स है यहाँ के करना, तो प्लीज अच्छा कॉलेज ही चुनिए। कोई भी ऐरा गहरा या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज जिसको कोई जानता ना हो, कोई रेपुटेशन ना हो, उसको मत चुनिए। अनलेस आपने अगर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी या फिर बहुत ही ईजी पढ़ाई जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी जगह जॉब लगे, अच्छी पे हो, तो अच्छे कॉलेज चुनिए, रेप्यूटेबल चुनिए। गूगल पे सर्च कीजिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस या टॉप बिजनेस कॉलेजेस जो भी हैं कनाडा में, और फिर उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाकर देखिए कि वो आपको आपके रिलेटेड प्रोग्राम्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो ग्रेजुएट है उसका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो कॉलेज जिस सिटी में है उसकी इकॉनमी कैसे है। जहां मैं रहता हूँ, ब्रैम्पटन में रहता हूँ, ओंटारियो में, यहाँ काफी बिजनेसेस हैं, काफी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि टोरंटो भी पास पड़ जाता है, उसके कारण भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं यहाँ। तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स, कोई भी इंजीनियर हो, केमिकल हो, फूड इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि उस एम्प्लॉयर तक पहले कौन पहुंचता है। उस एम्प्लॉयर तक पहले वो इंसान पहुंचेगा जिसको उस एम्प्लॉयर का नाम पता होगा, और वो आपको कोऑप के थ्रू मिल जाता है। तो आपको काफी मदद मिलती है अगर आप एक अच्छा कॉलेज भी चूज करेंगे तो। सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले करता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे, वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको क्लास में बेस्ट स्टूडेंट होने की जरूरत है, आपको मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन होने की जरूरत है। शायद आप भी मेरी वीडियोस देखते होंगे और आप सोचते होंगे, यार ये बंदा तो काफी इंटेलिजेंट है, उसको तो सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं इस कंपनी में पहली बार कोऑप लगाने गया था, पहले हफ्ते में लगा था कि ये कंपनी मुझे बाहर निकाल देगी, मुझे फायर कर देगी, मुझे कोऑप से हटा देगी, क्योंकि मुझे तो इनका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चलाना आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने इंटरव्यू में भी मुझे कम से कम 10 में से 1 से 2 टेक्निकल सवाल ही पूछे, बाकी के 8 सवाल जो थे वो मेरी लाइफ के बारे में थे, मेरी स्ट्रेंथ्स के बारे में थे, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कनाडा में उसके बारे में थे। और उन सवालों से वो यही जानना चाहते थे कि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, क्या हम जो इसे समझाएंगे, क्या हम जो इसे काम देंगे, जो भी असाइनमेंट्स देंगे, क्या ये समझ पाएगा, क्या हम जो इसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इजिली समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कितनी से बोलते हैं, फ्लुएंसी से बोलते हैं, काफी मायने रखती है। दूसरी बात, कुछ ज्यादा टेक्निकल सवाल इन्होंने मेरे से नहीं पूछे थे, बहुत ही बेसिक टेक्निकल सवाल पूछे थे, जबकि इंटरव्यू से पहले मैं इतना डरा हुआ था, पूरी तैयारी करके गया था, फॉर्मूले रट के गया था।
मैंने उस कंपनी में जितने भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स यूज किए हैं आज तक 2 से 3 डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स यूज किए हैं इस कंपनी में, मुझे तीनों के तीनों डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल भी चलाने नहीं आते थे, ना ही हमें कॉलेज में वो सिखाए गए थे। लेकिन कॉलेज में हमें उससे रिलेटेड या उससे सिमिलर काफी सॉफ्टवेयर सिखाए गए थे। और जब आप जितना उस सॉफ्टवेयर को चलाते जाते हैं आपको पता लगता है कि जो बेसिस है फंडामेंटल है सभी सॉफ्टवेयर का काफी कुछ सेम होता है, बस इंटरफेस अलग होता है। अगर मैंने रेकमेंड करना हो इन माई पर्सनल ओपिनियन तो मैं कहूंगा ऑटोकैड बहुत यूज होता है, ऑटोडेस्क इन्वेंटर बहुत यूज होता है, सॉलिड वर्क्स पे काम कीजिए, सॉलिड एच पे काम कीजिए, मास्टर कैम, कैटिया, और एक और सॉफ्टवेयर था जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता लेकिन इस कंपनी में मुझे आकर सीखना पड़ा था, उसका नाम था बेंटले का माइक्रो स्टेशन है और प्रो ई लर्न कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर्स। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि सॉफ्टवेयर वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी ने किस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन अगर जो मैंने आज सॉफ्टवेयर बताए हैं आप उनमें से मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर की जो फाउंडेशन है बिगिनर लेवल सीख लें तो आपको बाकी के सॉफ्टवेयर जो आपने कभी नहीं यूज किए होंगे उनको यूज करने में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर मैं एडवांस डिप्लोमा की बात करूं, किसी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है कनाडा में आके और आप मैकेनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियर रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके रिलेटेड जॉब फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी वेरी कर सकती है ऑन एन एनुअल बेसिस फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 45,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 60,000 कैनेडियन डॉलर्स एज एन एंट्री लेवल पोजीशन कहूंगा मैं। अब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, तो यहाँ सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, माइनिंग इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर्स, हर एक टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। तो दोस्तों कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज के कारण मैं आपको असली डिजाइन तो नहीं दिखा सकता जिस पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक क्लाइंट है जिसका सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसके पास एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आ गई है लेकिन वो नई पीस ऑफ मशीनरी नहीं लाना चाहता। मान लीजिए उसकी जो कैपिंग की जो मशीन है जो बॉटल्स पे ढक्कन लगा रही है, कैप्स लगा रही है, वो एक बार में 16 बॉटल्स पे ढक्कन लगाती है और उसे वो डबल करना चाहता है, उसे वो 32 करना चाहता है, तो ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम लेके वो हमारी कंपनी के पास आएगा, इंजीनियर्स उसको सॉल्व करेंगे। जो भी इंजीनियर्स होते हैं अपना सोल्यूशन लेके वो डिजाइनर के पास आते हैं ताकि वो डिजाइनर उसे डिजाइन कर सके पूरे सोल्यूशन को। इट डजंट मीन कि मैं हमेशा एक ही क्लाइंट के साथ या एक ही टाइप ऑफ क्लाइंट के बिजनेस के साथ काम करूंगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है हर 2-4 महीने में बदल भी सकता है, कुछ हफ्तों में भी बदल सकता है। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो माइनिंग के रिलेटेड हो सकता है, उससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको काफी क्रिएटिव होना पड़ता है अपने डिजाइनिंग सॉल्यूशंस में और इंजीनियर्स को भी काफी क्रिएटिव होना पड़ता है एक कंसल्टेंसी कंपनी में अपने सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। तो अगर आप किसी और वर्क प्लेस में काम करें, मान लीजिए कि आप किसी पाइपिंग वेयर हाउस में काम करते हैं, वहां डिजाइनर है, जो भी डिजाइन करेंगे पाइप्स से रिलेटेड ही होगा मोर और लेस। तो दोस्तों वहां फायदा ये होता है कि आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उस प्रोडक्ट में या उस मशीनरी में या फिर उस इक्विपमेंट में। जहां मैं काम करता हूं वहां बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट बदलते रहते हैं, क्लाइंट बदलता रहता है, तो आप कभी स्पेशलाइज हो ही नहीं पाते। लेकिन फायदा ये होता है कि आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो और आई होप कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अगर फिर भी कुछ मेरे से रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहां कोशिश करूंगा वहां जवाब देने की। और आप ऐसे ही वीडियो लाइक करते रहिए, कॉमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि द वीडियोज विल कीप कमिंग नाउ एंड आई होप यू गाइस आर लविंग इट। लव यू एंड बाय।